आई एम लुकिंग गुड ना? बाल बाल भी सब एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं। आई नो, अब आप बोलेंगे अच्छा खुद के मुंह मियां मिट्ठू। यही होता है ना अक्सर जब हम अपनी तारीफ करते हैं तो सामने वाला हमेशा कहता है कि अरे अपने मुंह मियां मिट्ठू, कोई खुद की भी तारीफ करता है क्या? और मैं हमेशा ये सोच में पड़ जाती हूँ कि जब आपको अपनी खामियां इतने अच्छे तरीके से पता है तो अपनी अच्छाइयां भी तो पता होनी चाहिए। जब आप लोगों को बहुत ऐसे डाउन टू अर्थ होके बोलते हैं कि यू नो व्हाट, दीज आर नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट मी, आई हैव टू वर्क ऑन दिस 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 दिस। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मुझे उस पर काम करना है, या मुझे कुकिंग नहीं आती, या मुझे सिंगिंग नहीं आती, या मुझे डांस नहीं आता, सो मेनी थिंग्स। तो जैसे सब में नेगेटिव चीज़ें होती हैं वैसे ही सब में अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप अपनी खामियां लोगों को गिनाते हैं तो उतनी ही शिद्दत के साथ आप अपनी अच्छाइयां क्यों नहीं गिना सकते लोगों को? आप खुद को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? खुद को अप्रिशिएट करना नेगेटिव कैसे हो जाता है? तो जितनी ईमानदारी से आपको अपनी अपने अंदर की खामियां पता हैं, उतनी ही ईमानदारी से आपको अपने अंदर की अच्छाइयां भी पता होनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट, सेल्फ लव इज द ग्रेटेस्ट लव एवर। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग। खुद को अप्रिशिएट करें, अपने खामियों पे काम करें, लेकिन खुद को अप्रिशिएट जरूर करें।